डिलिमिटेशन का आजकल बड़ा शोर है जम्मू कश्मीर के अंदर। 72 सालों के बाद एक बड़ी खुशी की बात है कि एक खासकर जम्मू सूबा के अंदर पहली दफ़ा इतनी जागृति आई है जो देखने को मिली हमें पिछले कुछ दिनों से, कि अगर जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है इन 72 सालों में, सब समझते हैं कि इसका कोई कारण जो था मेन वो डिलिमिटेशन था। ज़्यादा सीटें कश्मीर को किस बेस पर दी गई आज तक ये एक क्वेश्चन मार्क बना रहा, और थोड़ी सीटें जम्मू को क्यों मिलें ये भी एक क्वेश्चन मार्क था। तो उसको लेकर कल जब डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पर आए उनके मेंबर्स, और एडिसन होटल के अंदर उन्होंने सबको बुलाया, हमें भी बुलाया, बड़ी खुशी हुई। मैं स्वागत करता हूँ कि जम्मू की बहुत सारी संस्थाएं, चाहे वो पॉलिटिकल थी चाहे नॉन पॉलिटिकल थी, वो वहाँ पर गई थी, काफ़ी क्राउड था। लेकिन एक मुझे अफसोस है कि सब इतने लोग सुलझे हुए, डिलिमिटेशन कमीशन के जो मेंबर्स थे वो भी बड़े चोटी के लर्नर लोग थे और बाकी भी, लेकिन बहुत बड़ी भूल वहाँ पर नज़र आई कि कोई कोविड चल रहा है इस वक्त, बहुत खतरा है, लेकिन सबको टाइम 8:30 का दे दिया, सारी संस्थाएं वहाँ इकट्ठी हो गई और वो क्राउड अनमैनेजेबल हो गया। इसका मुझे अफसोस है कि वो प्रॉपर मैनेज नहीं हुआ, लोग जो बात करना चाहते थे वो अच्छे ढंग से नहीं कर सके। हमने डोगरा सदर सभा में इससे पहले एक साथ सब जानते हैं एक्सरसाइज की थी कि हाँ ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई थी, और इकट्ठे हमने एक मेमोरेंडम तैयार किया था सबकी तरफ से, जो हम उनको देंगे वो उनको दे दिया गया। उसमें बड़े क्लियर तौर पर मैं आपको बताऊं, उसमें उनको बताया हमने कि भाई ये पहले एरिया जम्मू का जो एरिया है वो 26,253 स्क्वायर किलोमीटर है, और कश्मीर का जो है वो 15,948 है, यानी आधा फर्क है, डबल है जम्मू का एरिया। एरिया के लिहाज से जम्मू बड़ा है, पॉपुलेशन के लिहाज से आज ये 1951 में जो सेंसस हुआ था, सबसे पहले 47 के बाद 1951 में हुआ था, उस सेंसस के मुताबिक जो है वो इन्होंने 30 सीटें जम्मू को दी और 43 सीटें कश्मीर को दी, जो बिल्कुल बेइंसाफ था, ये इंसाफ नहीं था। और उसके बाद 2011 में सेंसस हुआ, यहाँ पर इन्होंने 37 सीटें जो हैं वो जम्मू को दी और 46 कश्मीर को दी, फिर भी वो बैलेंस ठीक नहीं था, उसको लेकर ये सारा शोर पड़ा हुआ था, जिसको लेकर हम चाहते थे कि अब जो डिलिमिटेशन कमीशन बना है ये इसमें सुधार लाए। अब एक क्लियर बात है, आपको याद होगा 2002 में जो इलेक्शन हुए और उसमें कश्मीर के वोटर जो थे वो 28,84,852 थे और जम्मू के 31,06,280 थे, यानी 2,21,428 वोटर जम्मू में ज़्यादा थे 2002 में जो इलेक्टर रोल्स बने। और उसको देखकर कुछ ऐसे जो हमारे हुक्मरान थे जो कश्मीर के अंदर समझते थे कि भाई हमने एक किसी भी ढंग से वहाँ एक अपने आप को एक अपर हैंड रखा है, उनको एक घबराहट हो गई। और उसके बाद 2014 की इलेक्शन में उन्होंने दोबारा से ये जो रिवाइज़ की वोटर लिस्टें, उसके मुताबिक 2,58,000 जम्मू के कम हो गए और कश्मीर के ज़्यादा, ये एक साजिश चली आ रही थी। और 2011 के अंदर जो सेंसस हुआ उसमें भी साजिश हुई, जम्मू को मार पड़ी थी। हमने ये मांग की है कि एक तो 2011 के सेंसस पर जो भी आप फैसला करोगे डिलिमिटेशन करोगे वो इंसाफ जम्मू को नहीं मिलेगा, और ये सेंसस जो है 2021 के सेंसस होना चाहिए और उसके बाद डिलिमिटेशन हो। लेकिन इनके पास मैंडेट यही मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ कि 7 सीटें इन्होंने बढ़ानी है, तो हमने उसकी तो वो भी हमने रिकमेंड की हैं। हमने कहा है कि इस वक्त आज की डेट में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी गांधीनगर की है जम्मू, सबसे बड़ी, डबल है, और टापोग्राफी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से, एरिया के लिहाज से और कनेक्टिविटी के लिहाज से,
आप ये मापदंड रख के जब करोगे तो हमें, हमने जो कैलकुलेट किया है वो क्लियरली एक बात इंडिकेट सामने हो रही है कि 7 ए कैटेगरी में जो माउंटेन्स रीजन है जहाँ पर मुश्किल कनेक्टिविटी है, एरिया बड़ा मुश्किल है, जैसे उन्होंने गुरेज वगैरह का रखा हुआ है, तो जम्मू में 7 सीटें वहाँ पर बढ़ती हैं। ये मैंने प्रेस नोट में सारी दी है। और कैटेगरी बी रखी है हमने, जो मेन सिटीज़ हैं इनके अंदर, जैसे मैंने गांधीनगर का जिक्र किया, जम्मू वेस्ट का जिक्र किया, वहाँ पर डबल नंबर है वोटर्स का, इसलिए 2 वो बढ़ती है। कैटेगरी सी हमने रखी है कंडी बेल्ट और माउंटेनियस रीजन जो है वहाँ 3, तो हमने रखा है कि 12 सीटें जम्मू में ज़्यादा चाहिए।